मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो में ये बताया कि क्या मैकॉले का योगदान था इंग्लिश इंट्रोड्यूस करा के और कैसे लोगों को मानसिक तौर पर गुलाम बनाना ताकि कभी भी भविष्य में जरूरत पड़े तो अंग्रेजों के काम आ सकें क्योंकि उनको उनकी भाषा आती है। हिंदी पे एक बार पहले डिबेट छिड़ी थी कि हिंदी को क्यों इम्पोज किया जा रहा, जबकि इम्पोज नहीं था, वो ये था कि विलिंगली इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था कि आपकी इच्छा है तो हिंदी अडॉप्ट करके पढ़िए, नहीं है तो मत पढ़िए, उसमें बहुत बवाल। मुझे किसी का कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। मैं एक लॉजिक मैं अपना देना चाहता हूँ, अगर आप लोग एग्री करते हैं तो जरूर कमेंट बताइएगा। मैं चाहता हूँ लोग बताएं अपना पॉइंट ऑफ व्यू हिंदी के बारे में एज ए नेशनल लैंग्वेज। मेरा तर्क ये है कि भारत में हिंदी को क्यों प्रमोट करना चाहिए, भारत में एक भाषा क्यों ना, और उसका रीज़न भी क्या है, और क्यों एक भाषा हिंदी होनी चाहिए बजाय इंग्लिश के। तो मेरे कई रीज़न हैं, जिसमें से पहला ये है कि हिंदी उत्तर भारत में मैक्स यूपी और सबसे ज़्यादा बोली जाती है, मैक्सिमम पूरे भारत में सबसे ज़्यादा भाषा अगर बोली जाती है तो हिंदी बोली जाती है। ठीक, तो बहुत बड़ी आबादी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में भी आता है, बोल भी जाती है, टूटी फूटी भी सही तो, लेकिन बोल भी रहता है, समझ में तो कॉन्वर्सेशन सीमलेस हो जाता है। दूसरी चीज, हिंदी हमारे देश की भाषा है, इस भारत भूमि से निकली है, किसी वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा नहीं, इसका पूरा अपना इतिहास है। तो एक कॉमन लिंक है संस्कृत, जो कि मराठी में भी बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में संस्कृत के मैक्सिमम 40-50% आते हैं, तो इसमें भी बहुत बड़ा योगदान है। हमें हमारे देश में अगर कोई भाषा बोलनी है नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट, तो हम चुनेंगे कि वो भाषा कौन सी हो, कोई बाहर वाला नहीं चुनेगा। फॉर एग्जांपल, चाइना ने सिर्फ यही क्यों अडॉप्ट किया कि वो अपने देश की भाषा बोलेगा, चाइना ने इंग्लिश का बहिष्कार क्यों किया, चाइना में यूट्यूब की जगह पर उसका सब्सटीट्यूट क्यों है, गूगल की जगह पर उसका सब्सटीट्यूट क्यों है, क्योंकि वो अमेरिकन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर जो भी कह रहे वो नहीं अडॉप्ट करना चाहता, उसको अपना कल्चर बहुत पसंद है, उसको बढ़ाना चाहता है, उसको प्रमोट करना चाहता है, और देख रहे हैं कि चाइना कितना आगे डेवलप हो चुका है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे पावरफुल कंट्री है, अमेरिका के बाद कह सकते हैं, और हम लोग भी उस लेवल तक पहुँच जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, हम अमेरिका को भी पछाड़ देंगे, लेकिन तब जब हम अपने कल्चर को समझें, उसको ही एनरिच करें, उसको ही बढ़ावा दें, उसको सपोर्ट करके पावरफुल बनाएं। हमारे 150 करोड़ की आबादी के आसपास पहुंच रहे हैं लोग, 1.3 बिलियन कहते हैं लोग, लेकिन अब तो क्रॉस ही हो चुका होगा। क्या हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है? आप अगर गूगल करेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी कहाँ बोली जाती है, तो कोई वेस्टर्न कंट्री मिलेगी, भारत मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है कि, और इतने अच्छे से इंग्लिश को इनबिल्ट कर दिया गया है, बच्चे पैदा होने के बाद ही मम्मी पापा बुलवाया जाता है, माँ बाप माता पिता नहीं बुलवाया जाता, और हेलो आओ हाय क्यूट ये वो, मतलब हर वो चीज़ इंग्लिश की थोपी जाती है बचपन से, कि अगर कोई साउथ वाला नॉर्थ में आए, कोई वेस्ट वाला आए, कोई मतलब किसी भी दिशा से कोई कहीं भी आए, अगर हिंदी में भाषा बोली तो किसी को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि इससे आपको कोई जज भी नहीं करेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग इंग्लिश ना आने पे एक दूसरे को गंवार भी साबित कर देते हैं, जाहिल भी कहने लग जाते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि इलिटरेट है, कहीं से पढ़ लिख के नहीं आया है, ट्वेल्थ में नहीं पास किया होगा, इंग्लिश कैसे आएगी, शहरी नहीं है, जाहिल है, बेवकूफ़ है। अगर आप हिंदी से अप्रोच करेंगे तो दुनिया के किसी भी गांव में चले जाएंगे, अगर ही सबको हिंदी आती होगी तो आप किसी को जज नहीं करने वाले, वो आपको बहुत बढ़ा चढ़ा के आपके सामने अपने आप को छोटा नहीं समझेगा। तो हिंदी की इतनी इम्पोर्टेंस है कि अपना खुद का कल्चर, अपना हेरिटेज, अपने देश की पैदाइश, अपने देश की भाषा, अगर एक भाषा के नाम पर हिंदी बोली जाए सिर्फ इसलिए हमें अगले तक अपना मैसेज पहुँचाना है, एक भारतीय को दूसरे भारतीय से बात करनी है, बस आप अपने स्टेट में अपने लोगों के बीच जो आपकी भाषा समझते हैं, लोकल भाषा, आप अपनी भाषा में बात करिए, किसी और स्टेट में जाके बात करनी है तो हिंदी बात करिए। और इस वीडियो के एंड में मेरा कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि हमें कुछ इम्पोज नहीं करना, हम बस इंग्लिश को रिप्लेस करके हिंदी लाना चाहते हैं, मौखिक हिंदी बोलने वाली, और धीरे धीरे अगर जम गया तो लिखित भी ले आएंगे। हमारी भाषा है, हम इसको अच्छे से नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया के बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज वाले देश, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज, वो धीरे धीरे संस्कृत अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है, एआई में, कंप्यूटर कोडिंग में, हर जगह धीरे धीरे हिंदी अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके पास अपने साइंटिफिक रीजंस हैं। हम गधों की तरह उनकी भाषा अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि किसी काम की नहीं बची है, जिसका कोई कल्चर नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसके कई शब्द ऐसे हैं जो स्पेलिंग थोड़ा तो सेम लेकिन बोलने में डिफरेंट, वो भी तब वो चाहते हैं कि उसको डिफरेंटली बोला जा सके, जैसे कट है और पुट है, तो हम पी यू टी पुट बोलते हैं और सी यू टी कट बोलते हैं, तो या तो कट को भी कुट बोला जाए या तो पुट को भी पट बोला जाए, नहीं समझे लिख के देखना, पी यू टी सी यू टी कट हो गया ना, कट कट
कट जाता है, कुछ कट गया, कट पीयूटी पुट, तो हम उसको पट क्यों ना बोले, पुट क्यों बोलना है, क्योंकि कोई कल्चर नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। हमारी हिंदी में, हमारे संस्कृत में, हमारे तमिल में, गुजराती में, पंजाबी में कोई भी ऐसी भाषा नहीं है कि उनके दो तीन शब्दों में से ऐसी समानता हो कि लिखित में तो सेम है, मतलब कुछ और निकल रहा है, भाषा बोलने में कुछ और निकल रही है, या फिर ऐसा उसका आप कुछ तर्क दे सकते हैं। तो अपने होने पे, अपने हिस्ट्री पे, अपने पूर्वजों पे, अपने कल्चर पे गर्व करिए, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।